वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और वीडियो दोस्तों। तो मेरा नाम निशांत अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस ऑफ फंडिंग। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क्स की। दोस्तों जो आज सेंसेक्स और निफ्टी दोस्तों दोनों रेड सिग्नल में, सेंसेक्स दोस्तों 60,300 के आसपास चल रहा है और दोस्तों निफ्टी जो 18,000 के आसपास चल रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी जो है न्यूज़ निकल के आई दोस्तों, जो मैं आपको अगली न्यूज़ में बताने वाला हूँ। गोल्ड दोस्तों जो है कुछ 50,000 रुपये के आसपास चल रहा है और मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों जो डॉलर की प्राइस है वो 71 और 59 के आसपास जो चल रही है। सबसे पहले जो खबर निकल के आती है, सबसे बड़ी खबर निकल के आती है दोस्तों, यूएस के फेडरल रिजर्व ने दोबारा से कहा कि वो अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में जो है वो अपनी इंटरेस्ट रेट को बहुत ही एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। दोस्तों जो वेनस्डे जो आज दोस्तों जो मार्केट शुरू हुआ है उसमें दोस्तों जो है पहले ही घंटे दोस्तों जो है सारी बहुत बड़ी जो वेल्थ है दोस्तों वो गिरी है। दोस्तों 2.21 लाख करोड़ का दोस्तों जो नुकसान हो चुका है, वेल्थ जो गिरी है इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब जब यूएस जो अपनी फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो दोस्तों जो है सारे मार्केट्स पर जो असर पड़ता है उसका। यूएस का मार्केट भी गया दोस्तों, जेफ बेजोस और एलन मस्क की जो नेटवर्क दोस्तों जो है 70,000-80,000 करोड़ से जो है गिर चुकी है। खबर निकल के आती है दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट के जो जीएसटी कलेक्शन दोस्तों निकल के आ चुका है। अगस्त के महीने में 4,349 करोड़ का उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया है। पिछले साल से कंपेयर करें तो 3,600 करोड़ का दोस्तों, जो कि 21% बढ़ के दोस्तों 4,300 करोड़ हुआ है। दोस्तों दिल्ली जो गवर्नमेंट दोस्तों फ्री बीस बांटती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी बांटती है दोस्तों, वो अगर टोटल उसका किया जाए 2 से 2,500 करोड़ दोस्तों पर ईयर दोस्तों जो है वो फ्री बीस बांटे जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक महीने में वो 4,500 करोड़ के आसपास जो है उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया है। दोस्तों जो है वो आराम से जो है अपने जो सब्सिडी से उनको आराम से बांट सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो है उनकी सरकार दोस्तों दिल्ली में बनी है और दोस्तों गुजरात में भी जो है उन्होंने अपनी सरकार के लिए बहुत ज्यादा जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो अगले खबर निकल के आती है बायलेंस की तरफ से दोस्तों। पिछले महीने दोस्तों उनके जो ऐप के डाउनलोड वो 4,29,000 दोस्तों डाउनलोड हुए हैं। दोस्तों अगर कॉइन डीसीए से कंपेयर करें दोस्तों 3 गुना है। ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वजी एस और कॉइन डी सी ऐप दोस्तों इन पर जो है सरकार दोस्तों रिस्ट्रिक्शन लगा रही है दोस्तों, लेकिन जो बाइनेंस है दोस्तों बाहर का ऐप है और बाइनेंस ने कहा है कि हम जो सरकार के दोस्तों रूल्स हैं उनको दोस्तों अभी फॉलो नहीं करने वाले जो टैक्स की जो पॉलिसीज हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर जो लोग हैं बाइनेंस को यूज़ करना प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है SBI की तरफ से। उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 5 लाख करोड़ जो है टच कर चुका है दोस्तों। 564 के आसपास उनके शेयर के प्राइस दोस्तों आज टच किया है, 1% बढ़ाया दोस्तों। अब दोस्तों जो है SBI जो है 7th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो पूरे इंडिया के अंदर। दोस्तों SBI के बाद दोस्तों 6-7 ऐसी कंपनीज और हैं जो कि दोस्तों जो आती हैं उससे बड़ी हैं। बाकी सब दोस्तों जो SBI के नीचे ही आती है और SBI दोस्तों थर्ड सबसे बड़ा जो है लेंडर बन चुका है इंडिया के अंदर। अगली खबर निकल के आती है अमेजन और फ्लिपकार्ट दोस्तों जो अपनी दिवाली की सेल को दोस्तों अनाउंस कर चुके हैं। 23 सितंबर से इनकी सेल शुरू होने वाली है, 28-29 दिन की इनकी दोस्तों सेल होती है। और दोस्तों इसके लिए अमेजन ने जो 11 लाख मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड किया, फीचर किया है और 2 लाख में से लोअर बिजनेस है दोस्तों। अमेजन की ग्रेट इंडियन सेल दोस्तों और जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डील है वो 23 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों आप क्या खरीदने वाले हो दोस्तों और क्या दिवाली पे कल आप जो है परचेस करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या मोबाइल वगैरह में, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले खबर निकल के आ दोस्तों एप्पल ने कहा है कि कुछ दिन पहले कि वो जो आईफोन को दोस्तों जो है यहीं पर मैन्युफैक्चर करने वाले इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों अब गूगल ने भी कहा कि अब उनके जो पिक्सल डिवाइसेस हैं वो दोस्तों इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे, क्योंकि जो सप्लाई चेन दोस्तों डिस्टरप्ट हुई है चाइना की वजह से, COVID-19 की वजह से, उसमें दोस्तों जो आप इंडिया दोस्तों अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले हैं। तो उन्होंने दोस्तों बिड लगाई है, अभी पूछा है कि कौन कौन से इंडियन मैन्युफैक्चर हैं जो उनके एप्पल के जो दोस्तों पिक्सल डिवाइसेज उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। 10 से 20% दोस्तों लगभग 5 से 10 लाख पिक्सल डिवाइसेज जो है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे गूगल के इंडिया के अंदर। तो दोस्तों आज की जो बिजनेस फंडिंग न्यूज है यहाँ पे खत्म होती है। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।